शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। हम बक तो ये हुर हुर मत किया करो, दाना डालने वाले पर कोई गुर्राता है क्या? अरे हाँ हाँ, जानता हूँ कि तुम लोग नाराज हो, सोमवार को नहीं आया था पिछले हफ्ते। अरे आराम से, कबूतर उड़ रहे हैं, देख नहीं रहा? मास्टर जी अपना सब काम बराबर टाइम पे, आप ही आधा घंटा लेट हुए। लेकिन गोविंद आ आ। अरे मास्टर जी अपनी इस पलटन का डाइनिंग हॉल कहीं और लेकर जाओ, इन कबूतरों के चक्कर में रहे तो हमारा दो यही बजने वाला है। 1 बजे डॉक्टर चुगानी के पास चोपड़ा साहब का कुत्ता लेकर जाना है इंजेक्शन लगवाने के लिए, और फिर अपनी दवा दारू का इंतजाम। सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो? हाँ। अरे नहीं मास्टर जी, ये तो रात का उतारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रात की चढ़ी उतारने के लिए सुबह चढ़ाते हो और सुबह की उतरी शाम को चढ़ाते हो। अगर चढ़ाकर ही रखना चाहते हो तो उतारते क्यों हो गोविंद? अरे मास्टर जी। अरे सबसे पहले सुबह सुबह तू ही मिलता है गोविंद, तू तो होश में मिलाकर। चोगले के घर जाना था, पता नहीं उसकी अर्जी लाया हूँ कि नहीं। पकड़िए, बांट दे कबूतरों में, देखता हूँ इस बैग में हो शायद। अरे कबूतरों ने बहुत खा लिया, शाम की दारू का इंतजाम हो गया। ये लो, ये मेयर साहब का लेटर है, अब ये टाटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा बिना किसी खर्चे के। मास्टर जी आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया। अरे चौगले क्या किया है मैंने, 2-4 दिन भाग दौड़ की ना, कौन सा आसमान उठा लिया है मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। हाँ जा जाके चाय लिया मेरे लिए अच्छी सी। गायत्री कहाँ रह जाते हैं आप, कहाँ रह गए थे? ये फूल मंदिर में चढ़ा देना, विशाल गया नहीं बाहर बैठा है चाय पी रहा है। मिल गया। निकल रहे हो भाई? हाँ बाबू जी। नाश्ता किया? हाँ कर लिया। हाँ जरा जाते जाते बैंक से होते जाना, मेरी पासबुक कलेक्ट कर लेना। जी। अगली बार अपनी माँ से कहना अखबार किसी अच्छी जगह छुपाया करे। मूर्ति चोरी? तुमने देखा? नहीं मैंने ढूंढ लिया। हाँ लो बेटा घड़ी। अरे मंदिर में एक मूर्ति की चोरी। अच्छा मामा चलता हूँ। पुजारी गिरफ्तार। ये रही आपकी चाय। आ गया। अरे गायत्री तुम भी अपनी चाय लेकर यहाँ आ जाओ ना, आओ यहाँ बैठो थोड़ी देर। अब मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी दुनियादारी सुनूंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? वैसे भी आज सारा दिन इसी में जाएगा, मंदिर पुजारी मूर्ति है ना, इतने सारे काम पड़े हैं, मुझे आजकल वैसे भी दौड़ धूप नहीं होती। अपना बच्चा कामकाज से लग गया है, कमाने लग गया है, अब लोगों से जरा मिलो जुलो, उसकी ब्याह की बात तो निकालो। अरे हो जाएगा ब्याह, ब्याह भी हो जाएगा। हो गया, माफी मांग रहा है, छोड़ दे इसे। नहीं साहब मुझे इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। छोड़ दिया तो दूसरा की जेब में हाथ डालेगा ये? नहीं साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हो गया ठीक है, ले चलते हैं इसे पुलिस स्टेशन। तू ऐसा कर, तू जाकर स्कूटर लेकर रिक्शा लेकर, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। अरे जाना, मैंने रोका इसे, देख मैंने रोका इसे। अरे जाना, मैंने रोका इसे। क्या करते हो तुम भाई? बहुत भारी हाथ है मेरे बेटे का। हाँ साहब बहुत भारी हाथ है। शुरुआत मुझसे की थी या किसी और की भी जेब मारी थी पहले? आप ही से शुरुआत की थी साहब। मतलब बोनी खराब हो गई? अरे तो काम किया करना, मजदूरी कर, बर्तन मांज, ये क्या चोरी करता है? हाँ साहब कुछ भी काम करूंगा, कुछ भी काम करूंगा साहब, कुछ भी काम करूंगा। ये ले
जाके डॉक्टर को दिखा देना। हाँ साहब। और सुन, रात को सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लेना, ठीक हो जाएगा। अब जाना, भाग यहाँ से। हाँ जा, ठीक है ठीक है। बाबूजी कहाँ गया वो? वो भाग गया। भाग गया? अरे मैंने कोशिश की थी पकड़ने की, मगर मुझसे ज्यादा ताकतवर था तो मैं क्या करता। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? अरे बताइए ना, कुछ गोली हुआ क्या? अरे विशाल बेटे, क्या क्या हुआ माँ? पता नहीं, कुछ तो हुआ है, कुछ बता ही नहीं रहे। क्या हुआ? हुआ क्या है आपको? आप मुझे बताइए ना, कुछ बोलिए। अब बैठ जाइए, आप यहीं बैठ जाइए। मुझे सांप ला दो। हाँ लाती हूँ। बाबूजी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बाबूजी? गाड़ी कट गई। जिस ट्रेन से मैं आ रहा था उसके नीचे आकर गाय कट गए। बाबूजी अभी बस इतनी सी बात के लिए आपने घर को सर पे उठा लिया। गाय कट गई तो क्या हुआ? शहर में इस तरह के सैकड़ों हादसे रोज होते हैं। बाबूजी लो ये खा लो। बाद में। कटी हुई देखी थी क्या? नहीं। लोग बात कर रहे थे, ट्रेन भी रुक गई थी। एक तो था भी वहां अंधा गुप, अंधेरे में जानवर तो क्या, इंसान को भी कहां कुछ सूझता है। बस अब इस बात को दिमाग से निकाल दो। गायत्री मैं जानता हूं मेरी वजह से तुम लोगों को काफी परेशानी होती है, मगर मैं क्या करूं? मैं कोशिश करके भी दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं बन पाता? ट्रेन में और भी लोग थे, कुछ लोगों ने तो उतर कर भी देखा, कहीं किसी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। उस वक्त उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा शरीर को टुकड़ों में देखने के बाद भी इंसान का दिल नहीं पसीजता। इतना निर्दयी हो गया है इंसान। राणा साहब, ये लोग मलाड ईस्ट आजादपुर नगर झोपड़पट्टी के रहवासी हैं और मैं सच्चिदानंद अग्निहोत्री, दाहनु करवाड़ी, कांदीवली। मास्टर जी आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है, आप ही की बस्ती में एक जलसे में। कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राणा साहब, इनकी बस्ती के नजदीक लिंक रोड पर एक बस स्टॉप है और इस बस स्टॉप के पास एक शराब खाना है। बस्ती की नौकरी पेशा लड़कियों को रात को आते वक्त काफी देर हो जाती है और उन्हें शराब खाने के पास से गुजरना पड़ता है और शराब खाने में बैठे गुंडे उनके साथ छेड़खानी करते हैं। कल तो एक गुंडे ने शराब के नशे में 2-3 की बेटी का हाथ पकड़ लिया था। मेरा बेटा आ रहा है। हाय डैड, मेरी गाड़ी का क्या हुआ? 25 लाख रुपए जमा करा के आया हूँ, जाते हुए डिलीवरी ले लेना। थैंक्स डैड। हाँ तो मास्टर जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि कल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटियां इनकी बेइज्जत हो रही हैं और वकालत आप इनकी कर रहे हैं, इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? राणा साहब, ये लोग चाहते हैं कि वो शराब खाना वहां से हटवा दीजिए। उस नाके पर इन लोगों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे आप बंद करवाइए बस। मास्टर जी ऐसे मामलों से निपटना शहर की पुलिस का काम है, आप अपनी फरियाद पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होगी। एक रिपोर्ट मैं खुद दर्ज करा चुका हूँ करीब 2 महीने पहले, अब तक वो रिपोर्ट किन्हीं फाइलों में गुम हो गई होगी। तब तो आपको ये शिकायत पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से करनी चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अधिकारी इस मामले में हाथ नहीं डालेगा क्योंकि ये शराब खाना गोपाल अन्ना का है।
और गोपाल अन्ना के सर पर आपका हाथ है। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। रहते आप गांधीवेली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए हैं, नेता है क्या आप इनके? आपके हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी। ये जानते हुए भी कि गोपाल अन्ना मेरा आदमी है, आपने उसके खिलाफ 12 आदमी लाकर मेरी ही ड्योढ़ी पर खड़े कर दिए। राणा साहब, आज 12 खड़े हैं, कल 200 खड़े होंगे, 2000 खड़े होंगे। अब जातियों के शिकार लोग घरों में दुबक कर बैठे नहीं रहेंगे। इंसाफ के लिए आवाज उठाने का हौसला जाग गया उनमें? आप हौसला जाग गया है या खत्म हो गया है, जरा मुड़कर देखिए। आपके सिपाहियों ने तो मैदान छोड़ दिया। इस उम्र में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी। शहर के लोगों की मुश्किलें तकिए के नीचे रखकर सो गए तो नींद नहीं आएगी। बुढ़ापे में भरपूर नींद सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। कहाँ रह जाते हो? फिक्र हो जाती है मुझे, कितना वक्त हो गया है, खाना कब से लगाकर बैठी हूँ। चलो चलो बैठो, पहले खाना खा लो। अरे क्या हुआ, हुआ क्या, आप कुछ बोलिए ना। आज एक बहुत बड़ा अनर्थ मैंने अपनी आंखों से देखा है गायत्री। हैवानियत का नंगा नाच मेरी आंखों के सामने चल रहा था और मैं फटी हुई आंखों से वो सब देख रहा था। एक तमाशा, होंठ भीचे हुए थे मेरे, गिग्गी बन गई थी मेरी। क्यों, ऐसा क्या देखा आपने? बीचों बीच एक खुली सड़क पर कुछ गुंडे एक लड़की को पुलिस जीप में ले जा रहे थे और मैंने देखा उन गुंडों में जसपाल राणा का लड़का नागेश भी था। एक नेता और समाज सेवक का ढिंडोरा पीटने वाला जसपाल राणा आज इतनी बड़ी पावर बन बैठा है कि उसका बेटा सरेआम सड़क पर इतना घिनौना अपराध करता है और पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है। 60 साल का ये बूढ़ा जिसने अपनी आंखों के सामने गुलामी की काली स्याही को मिटते हुए देखा है, इस हादसे को बेबस और लाचार की तरह देख रहा था। मेरे जी में आया कि मैं पुलिस को जाकर रिपोर्ट करूं, लेकिन बाद में ख्याल आया कि पुलिस भी तो इस घिनौने अपराध में उनके साथ मिली हुई है। नहीं नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और आपने कुछ नहीं देखा। गायत्री आप आज मेरी बात मान लीजिए, मैंने आज तक आपको किसी बात के लिए नहीं रोका, लेकिन इस बात को आपको दबाना ही है। हमें नहीं उलझना ऐसे लोगों के साथ। आपको मेरी सौगंध, आपने कुछ नहीं देखा बस। तालियां मत बजाइए, मत बजाइए तालियां, मत बजाइए ऐसे लोगों की बातें सुनकर तालियां मत बजाइए। आंखें खोलिए और समझिए। छोड़ो, मुझे पब्लिक का आदमी हूं, पब्लिक मीटिंग है ना ये, छोड़ो। अरे सुनो, छोड़ दो ये, नहीं आइए मास्टर जी, आइए आप इधर आकर बोलिए, आपको कुछ कहना है ना, स्टेज पर आकर बोलिए। हाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन पुतलों की भीड़ से अलग हूँ, ये जो रखे हुए आपने यहाँ पर। राणा साहब शहर के बिगड़ते हुए हालात पर अफसोस जता रहे हैं। मास्टर जी माइक पर बात कीजिए। राणा साहब यहाँ मंच पर खड़े होकर शहर के बिगड़ते हुए हालात पर अफसोस जता रहे हैं, पुलिस को मशवरा दे रहे हैं कि गुंडा ताकतों को काबू में कैसे रखा जा सके। यहाँ ऊंचाई पर खड़े होकर एक समाज सेवी का मखोटा ओढ़कर वाहवाही लूट रहे हैं। अरे किन गुंडों को मिटाने की बात कर रहे हैं राणा साहब? शहर के सबसे बड़े गुंडे तो आप, ये देखिए, ये देखिए, और बाकी के गुंडों को अपनी छत्र छाया में ले रखा है, और पुलिस ने भी उन गुंडों को और आपको खुली छूट दे रखी है। आपकी ताकत और आपकी पहुंच के आगे घुटने टेक दिए पुलिस ने। भाई पुलिस की जुबान पर हमेशा एक ही शिकायत होती है कि शहर का कोई आदमी किसी गुंडे के खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं करता, किसी कत्ल या लूटमार का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होता। तो आज आप सबके सामने मैं
मैं मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री पुलिस को एक चश्मदीद गवाह दे रहा हूँ। कल रात माहिम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने एक लड़की की लाश बरामद की। लड़की का नाम था भारती सालूके। उस लड़की को कुछ गुंडे बरली नाके से उठाकर लाए थे और उन गुंडों में राणा साहब का बेटा नागेश भी था। मैंने खुद अपनी आंखों से नागेश को उस लड़की को उठाते देखा था, तो मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। अब बताइए पुलिस बढ़ाएगी इस कार्रवाई को आगे? बोलिए कमिश्नर साहब, बोलिए जवाब दीजिए। अरे आप क्या जवाब देंगे, आपकी पुलिस तो खुद उन गुंडों के साथ थी। अब इस गवाह को बैसाखी बनाकर दो चार कदम चल सकेगी आपकी पुलिस? बताइए जवाब दीजिए। अरे बताइए, पब्लिक मीटिंग है, बताइए जवाब दीजिए इन्हें। गायत्री, विशाल, देखो देखो, अरे घूर क्यों रहे हो? अब मैं 740 रुपए पेंशन पाने वाला मामूली अध्यापक नहीं हूँ, और भी कुछ हूँ। कौन कहता है कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग अब नहीं रहे? सच्चाई के साथ उठी हुई आवाज के मायने आज भी हैं। ये देखो देखो, ये आज के पेपरों में सब कुछ लिखा है। मुख्य पृष्ठ पर मेरी तस्वीर छपी है और साथ में अखबार वालों ने जसपाल राणा की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब उसके लिए अपने बेटे नागेश को बचाना इतना आसान नहीं होगा। अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बाबूजी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया, पर कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात तो कर लेते आप। अरे तुमसे बात क्या करता, क्या कर लेते तुम? कम से कम आपस में सलाह तो कर लेते। मशवरे से क्या होता, अखबारों में छपी ये सच्चाई लोगों के घरों में पहुंच गई। शहर में कुछ लोग तो होंगे जिनकी आत्मा अभी तक नहीं मरी। वो लोग नागेश की गिरफ्तारी की मांग लेकर सड़कों पर उतर आएंगे और पुलिस को झक मारकर नागेश को गिरफ्तार करना पड़ेगा। बाबूजी, आप समझ नहीं रहे। मुझे क्या समझाओगे, तू इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा? तुम समझाओ इसे। विशाल, जो होना था वो तो हो गया, अब इसे संभालना कैसे है वो सोचो। कम से कम तुम दोनों आपस में, मेरी फिक्र छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैं उन परेशानियों से खुद लड़ लूंगा। जिनकी शुरुआत मैंने की है उसे अंजाम तक पहुंचाना मेरा काम है, बस मेरा। मुझे समझाने चले हैं, उस दिन देखना जब पब्लिक सड़कों पर उतर आएगी। हाँ, मास्टर जी घर पर है? आप लोग घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, हम उन्हें उठाने नहीं आए हैं। कुछ पेपर्स पर उनके साइन चाहिए। मैडम, मास्टर जी को बुलाइए। मास्टर जी। क्या बात है भाई, आप लोग इतनी रात को इस तरह? रात को आकर आपको तकलीफ तो दी, पर क्या करें, ड्यूटी ही ऐसी है। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए 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 ना। मास्टर जी, उस लड़की के केस में कानूनी कार्यवाही अब शुरू हो गई है। मैं देख रहा हूं वो केस, आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसी के बिना पर पुलिस अब कोर्ट में केस फाइल करेगी। आपके सिग्नेचर की जरूरत है जी। बताइए कहां साइन करना है? एक बार फिर सोच लीजिए मास्टर जी, ये केस बलात्कार और हत्या का है। आपके साइन करने का मतलब है आपका नाम इस केस के चश्मदीद गवाह के रूप में दर्ज हो जाना। हो सकता है अदालत की कार्रवाई वहां तक पहुंचे कि नागेश को सजा हो जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नागेश जसपाल राणा का बेटा है, जिसके हाथ में पावर है और जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है। और मास्टर जी, मैंने तो ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें गवाहों की परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक स्टेज पर आकर वो अपना हाथ वापस खींचना चाहते हैं और पुलिस की मजबूरी होती है उनको पकड़ कर रखने की। मैं तो सिर्फ अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं। एक मिनट, आप अपना तजुर्बा बयान कर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? मैंने जो सच देखा वही बोला है और जो बोला उसी पर अटल हूं। बताइए कहां साइन करना है, बताइए। नहीं नहीं, रुक जाइए, आप साइन मत कीजिए। पता नहीं मेरा मन कहता है हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ए पाटिल, नीचे कर। यहाँ के एनकाउंटर के लिए आया क्या? गोली चल गई तो आदमी मर जाएगा। हाँ। इडियट। माफ कीजिए, हाँ प्लीज। नहीं नहीं, आप साइन मत कीजिए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गायत्री, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है। मैं समझती हूँ आपकी बात, लेकिन आप प्लीज साइन मत कीजिए, विशाल भी घर पर नहीं है। विशाल क्या कर लेगा, मुझे साइन करने से रोक देगा क्या? फिर भी आप मेरी बात की बात मत करो गायत्री। मैंने कहा ना, फिजूल की बात मत करो गायत्री। क्या बात है माँ? बेटा, ये लोग तेरे बाबूजी का बयान लेने आए हैं, तू इन्हें साइन मत करने दे,
मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। अरे ये क्या रोकेगा मुझे, मैं अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं। और तुम बजाय मुझे कुछ कहने के अपनी माँ को समझाओ। और तुम्हारी माँ के आंसुओं के अलावा और भी कुछ है कि नहीं सच्चिदानंद अग्निहोत्री की जिंदगी में? तुम लोगों के दिलों में इस नाम के लिए कोई इज्जत है कि नहीं? मैंने जिंदगी में अपने सुख के लिए तुम लोगों को कभी चोट पहुंचाई है? परिस्थितियां कैसी भी रही हो, एक बाप और पति की पूरी जिम्मेदारियां तो निभाई है मैंने। और अब मेरी सोच, मेरे फैसले पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रहा? जो सच्चाई और पुरुषार्थ मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, तुम दोनों चाहते हो कि मैं उसे कुछ कुछ ताकतवर गुंडों के घुटनों में बिछा दूं? मास्टर, अभी तो ये कोर्ट की पहली तारीख की तैयारी चल रही है। कानून में एक बात को कई बार बोलना पड़ता है और कई बार लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? मैंने तो कहा है कि पुलिस जब जहां मेरी मौजूदगी चाहेगी मैं पहुंच जाऊंगा, तो फिर मेरी बात को घुमा फिरा कर क्यों लिखा जा रहा है इंस्पेक्टर? मास्टर, ये हमने सब तुम्हारे हक के लिए रखा है। हो सकता है किसी तारीख तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारी सेहत अच्छी ना रहे, तो आप मुझसे हमदर्दी मत जताइए। अपनी कार्रवाई पर ध्यान दीजिए। इन पेपर्स को दोबारा तैयार करवाए तब मैं इन पर साइन करूंगा। अब जी आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ बेटा। ये क्या तरीका आप लोगों का, ऐसे कैसे मेरे फादर को यहाँ ले आए? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं? एक गवाह के घर में पुलिस किसी भी वक्त घुस जाएगी, उसे उठाकर ले आएगी, और फिर ये पेपर के स्टेटमेंट, ये सिग्नेचर, कब बंद होगा ये नाटक? विशाल तुम अब ये कोर्ट के फैसले तक चलेगा और ये नाटक नहीं है, कानून का कामकाज है। इंस्पेक्टर चुप कर। नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आपकी बात को। अरे ये सब टांग डालने के पहले समझना चाहिए था ना। अरे ये तो बुढ़ा है, इसका दिमाग बराबर नहीं है। इंस्पेक्टर, ऊंची आवाज में बात नहीं करने का इधर। तमीज है तुझे बात करने की? क्या ये तरीका बुजुर्ग से बात करने का? क्या कर लेगा तू, अंदर कर देगा ना मुझे? बाबूजी ठहर जाइए, अब ये कार्रवाई मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत नशा है तुझे इस वर्दी का। आपकी कोई गलती नहीं, दिमाग किसी का खराब हो गया। चल तू मेरे साथ, चल मैं कहता हूँ चल। हाँ तो बस हो गया ना, तुमने भी तो अपना गुस्सा उतार लिया ना इस पर। तो क्या इसे थप्पड़ मारकर मुझे सुख मिला? इससे पूछो कि वहां पर ये नौबत आई क्यों कि मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा। गायत्री वहां पुलिस वालों से हाथापाई पे उतर आया था। तो क्या गलत कर रहा था मैं? वो लोग आपसे जबरदस्ती पेपर पे साइन करवा रहे थे, आप खाना खाने के लिए बैठे थे और वो आपको उठाकर ले गए। लेकिन पुलिस स्टेशन में तुम्हारा वो तरीका क्या गलत था? मेरा तरीका वहां आपका अपमान हो रहा था जो मुझसे देखा नहीं गया। अगर आज तुम्हें वहां कुछ हो जाता उसके बाद क्या होता? एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का मतलब समझते हो? तुम कुछ करने से पहले आगे पीछे का सोचते हो कि नहीं? आप कितना सोचते हैं कुछ करने से पहले? विशाल चुप कर। हजारों लोगों के बीच उस गुंडे का नाम उछालने से पहले आपने कुछ सोचा था? वो वाकया आपने अपनी आंखों से देखा है, उस बयान पर दस्तखत करने से पहले आपने कुछ सोचा था? आपने सोचा था कि किन तकलीफों में आपका परिवार आ सकता है? सोचा था आपने? विशाल चुप कर और जाए यहाँ से। आज मैं जान गया, विशाल अब मेरे कंधों से ऊपर हो गया है। अरे क्या मास्टर, तुम समझता क्यों नहीं? कानून का काम तो कानूनी तरीके से ही होगा ना। मैं सब समझता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जिस तरह से आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना वो। रिलैक्स मास्टर जी, रिलैक्स। आप तो हमारी मदद कर रहे हैं, फिर हम क्यों चाहेंगे आप परेशान हो? और आपने जो काम किया है उस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत करने से पहले आपने अच्छी तरह सोच लिया था ना। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आइए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। इस तरह पीछे से दरवाजे से इस तरह चोरी चोरी क्यों ले जाया जा रहा है? आप धक्का मत दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। चल भाई गाड़ी चला, चलो आता हूँ भाई। हाँ आराम से चल। अरे जल्दी स्टार्ट करो भाई, चलते हैं भाई, चलते हैं। शराब पी के गाड़ी क्यों चला रहे हो? अरे कहाँ शराब पी रखी है मास्टर जी, मैं तो कभी शराब पीता ही नहीं। ये तुम गाड़ी उल्टी क्यों ले जा रहे हो? गाड़ी तो सीधी चल रही है। देखो ये सब ठीक नहीं है, गाड़ी सीधी चलाओ।
तो मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने आप यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं नहीं मास्टर जी, हमारी ड्यूटी लगी है आपको घर छोड़ने की। लीजिए मास्टर जी, आपका घर आ गया। आप खामखा चिंता कर रहे थे। आइए उतरिए, आपका घर आ गया। मंच पर ये जबरदस्त ड्रामा किया मास्टर सच्चिदानंद अग्निहोत्री ने। लेकिन सबसे पहले अदालत के लिए साफ होना बाकी है कि इस तरह की कोई घटना हुई भी है या नहीं। मिलॉर्ड, वर्ली नाके पे 3 बत्ती इलाके में रात को 11 बजे जहां सैकड़ों लोग आ जा रहे हैं, नाके के बाई तरफ चित्रा सिनेमा का टैक्सी स्टैंड, दाई तरफ हॉस्पिटल के सामने खुली हुई दुकानें, ऐसे माहौल में कुछ गुंडे एक लड़की को जबरन उठाकर पुलिस जीप में डालते हैं। उस लड़की की चीख पुकार वहां मौजूद लोगों में से किसी के कानों तक नहीं पहुंची। सिर्फ मास्टर जी ने यह नजारा बखूबी देखा। लेकिन अपने किसी नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। शायद उस वक्त इनकी परेशानी यह रही होगी कि इन्होंने पुलिस को नागेश की मदद करते हुए देखा है। मास्टर जी ने उस वक्त पूरे होशोहवास में पूरी समझ के साथ काम लिया। एक आम आदमी की तरह उन्होंने भी अपने आप को इस मामले से दूर रखना ही बेहतर समझा। लेकिन अगले ही दिन क्रॉस मैदान में इनका दूसरा रूप सामने आया। जो शख्स यह घटना देखने के बाद डर कर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदम रोक लेता है, वही शख्स हजारों लोगों की भीड़ में खड़े होकर जसपाल राणा के हाथ से माइक छीन लेता है। माइक मैंने छीना नहीं था, खुद जसपाल राणा ने मुझे दिया था। और यह घटना 3 बत्ती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी। जज साहब, चित्रा सिनेमा की बाई तरफ वल्ली विलेज को जो सड़क जाती है उसके पास कुछ रेलवे की पुरानी बिल्डिंग्स हैं। उन्हीं बिल्डिंग से उस लड़की को बाहर लाया गया था। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ जज साहब, जिंदगी में हालात कुछ भी रहे हो मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मिलॉर्ड, मैं मास्टर जी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है मास्टर जी। बतौर अध्यापक आपने एक स्कूल में कितने साल निकाले? पूर्णिमा देवी विद्यालय में करीब 11 साल था। इससे पहले भी आप किस स्कूल में थे? हाँ, एक सरकारी स्कूल में 4 साल। 4 साल क्यों? आपके सवाल का इस केस से क्या ताल्लुक? ये मेरा जाती मामला है। मैंने कौन सी नौकरी कब और क्यों छोड़ी इससे अदालत को क्या लेना देना? आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए, अदालत का काम अदालत पर छोड़िए। यहां सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी का सवाल नहीं है, इस केस में एक समाज सेवक की शख्सियत और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बेहतर यही होगा कि आप पेश में आकर झल्लाने की जाए आप धैर्य के साथ मेरे सवालों का जवाब दें, और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का ताल्लुक इस केस के साथ है। अब बताइए, आपने सरकारी विद्यालय में सिर्फ 4 साल ही काम क्यों किया? क्योंकि वहां जो मैं देख रहा था एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था। वहां के अध्यापकों ने शिक्षा जैसी सेवा को बाजारू बना दिया था। स्कूल के बाहर दुकानें खोली थी उन्होंने और स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे तरह तरह के तरीकों से परेशान किया जाने लगा। थक कर मैंने रिजाइन कर दिया। आपने 11 साल की सर्विस के बाद पूर्णिमा देवी विद्यालय क्यों छोड़ा? वहां के प्रिंसिपल रंगनाथ राव से मेरी बिगड़ गई थी। मेरा अपना आत्मसम्मान बचा पाना वहां भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार आप स्कूल से हटे नहीं, आपको हटाया गया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मास्टर जी, स्कूल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आप अपने काम में गैर जिम्मेदार और लापरवाह थे। मसलन हिंदी के पीरियड में आप अपनी क्लास से हमेशा गायब रहते थे। ऐसा एक ही बार हुआ था और क्लास से गायब होकर कोई मैं पाप का काम करने नहीं गया था। हमारे स्कूल के चपरासी के घर गया था मैं। उसे बहुत तेज बुखार था, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके घर जाकर मैंने कुछ दवाइयां लेकर दी थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था
कि आप अपनी क्लास छोड़कर सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में घुस गए और वहां के हेड मिस्टर चंद्रकांत कुलकर्णी से आपकी हाथापाई हुई, आपने उन्हें मारा। हाँ ऐसा किया था मैंने, क्योंकि स्कूल मेंटेनेंस के लिए ट्रस्ट से जो रकम मिली थी उसमें 5 लाख रुपए का घोटाला हुआ था और ये रकम प्रिंसिपल के अलावा और भी लोगों में बंटी थी और इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए कुलकर्णी का सबसे बड़ा हाथ था। जज साहब जब मैंने उसे मारा तो उसे शराब पी रखी थी। स्कूल जैसी संस्था से जुड़ा हुआ एक कर्मचारी स्कूल में शराब पी कर आता था तो क्या गलत किया था मैंने? क्या मैं भी दूसरे लोगों की तरह खड़े खड़े तमाशा देखता रहता उसका? मिस्टर अग्निहोत्री आप परेशान मत होइए। परेशानी तो किया जा रहा है मुझे जज साहब, जो बातें मुझे परेशान करती है, जिन बातों को मैं दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता हूं उन्हीं बातों को अदालत में, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे अदालत से बाहर भी परेशान किया जा रहा है। मुझे दिमागी तौर पर अफाइज बनाने की कोशिश की जा रही है जज साहब। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ एक खेल खेला जा रहा है जज साहब। मैं कबूतरों को दाना डालता हूं तो मेरी सुरक्षा में तैनात गार्ड मेरे पीछे खड़ा होकर ऊपर गोली चलाता है। पूछताछ के लिए मुझे पुलिस पीछे के दरवाजे से अंदर लेकर जाती है। पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से मुझे घर ले जाया जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है। और तो और मैं मंदिर में पुजारी से प्रसाद मांगता हूं तो प्रसाद की जगह मेरे हाथ में बिच्छू रख दिया जाता है। एक खेल खेला जा रहा है मेरे साथ जज साहब, एक खेल खेला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बाबूजी, आप कहना क्या चाहते थे? आपकी कोई बात का मतलब ही नहीं बनता था। वो कोर्ट है बाबूजी, कोर्ट। मुंह से निकली हर बात को पकड़कर वो खेल खेलते हैं। मजाक उड़वा लिया आपने अपना। मजाक मेरा नहीं, सच्चाई का हुआ था। मैंने जो भी बोला था बिल्कुल सही बोला था, वो हुआ था मेरे साथ। क्या दिमाग फिर गया है? मैंने एक एक बात सही बोली थी। मेरे रिटायरमेंट का दिन, मेरे रिटायरमेंट की तारीख, मेरा पॉलिसी नंबर 78 में कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के साथ जो मेरा झगड़ा हुआ था वो 2 साल 3 महीने और 18 दिन चला था। 13 अप्रैल को उसका फैसला हुआ था मेरे हक में, जस्टिस बी के चौधरी उसका जज था। क्या दिमाग फिर गया मेरा? तू शनिवार को गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, दोपहर को 2:37 पर, उसी दिन जिस दिन तुम्हारे भाई मेरे साले की शादी हुई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? जी जी हुई थी। और 10वीं क्लास में तू गणित में फेल हो गया था, कंपार्टमेंट में तुझे 11वीं क्लास में चढ़ाया गया था, याद है तुम्हें? याद है मुझे? हाँ। सब याद है, सब पेपर रखता हूँ मैं अपने पास, ये देखो सब पेपर। ये देखो शराब की बोतल। कोर्ट में कही हुई मेरी बातें बहकी हो सकती हैं, उम्र के बोझ में मैं अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा हूं, यह भी सच हो सकता है। लेकिन विशाल यह तो नहीं हो सकता कि मैं शराब पीने लगा। ये बोतल मेरे बैग में रखी गई है मुझे परेशान करने के लिए। बस बाबूजी, अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। हाँ? क्या हुआ? नमस्ते। नमस्ते नेहा। नमस्ते बाबूजी। कैसी बेटा? ठीक हूँ। क्या बात है, क्या फिर कुछ? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। और मैं तो इतनी रात तक कोई खास काम निपटा भी नहीं रहा था, यूं ही गार्डन में बैठा था, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला? तुम फिक्र मत करो गायत्री, अब इस अध्याय का समापन बस होने ही वाला है। कल कोर्ट की तारीख है ना, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी छूट जाएगा तो मैं जज साहब को मिला था उनके बंगले पर, बहुत नेक इंसान है। मेरे केस का फैसला तो आज की तारीख में हो जाएगा, उसके बाद
उसके बाद मैं तेरी जमानत के लिए बहुत दौड़ भाग करूंगा। अब तो अच्छे अच्छे वकीलों से मेरी जान पहचान भी हो गई है। तेरा केस मैं किसी अच्छे वकील को सौंपूंगा। बचपन में तू मेरी इस घड़ी के साथ खेला करता था। एक बार मैंने तेरे स्कूल बैग से भी बरामद की थी, याद? याद है मैंने तेरे को एक चपत भी लगाई थी। पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए घड़ी बेजान सी हो गई है। इसकी सुइयों की रफ्तार से मैं तालमेल नहीं मिला पा रहा हूं, तो इसे ना इसे तू रख ले, शायद तू इसकी रफ्तार पकड़ सके। जल्दी छूट जाएगा तू। मास्टर जी, आज कोर्ट की कार्यवाही के लिए मानसिक तौर पर आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और तैयार भी। आप कार्रवाई शुरू कीजिए। मिलॉर्ड, यह रही पैनल ऑफ डॉक्टर्स की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ देर के बाद बात करूंगा। मिलॉर्ड, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक गवाह को अदालत की कार्यवाही में जहनी तौर पर परेशान होना पड़ता है। कानून के हाथों कोई गलत फैसला ना हो, इसलिए अदालत में कुछ मुद्दों को बार बार दोहराना पड़ता है, छेड़ना पड़ता है। आज गवाह के कटघरे में खड़े एक अध्यापक के चेहरे पर परेशानी देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है। माय लॉर्ड, मेरी जिंदगी में एक अध्यापक की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं बचपन में बहुत बड़ा शरारती था और एक अध्यापक ने मुझे सुधारा था। उसी अध्यापक से मेरे जीवन को एक सही दिशा मिली, इसलिए आज मैं हर अध्यापक की बड़ी इज्जत करता हूं। आज कानून का हिमायती होने के नाते मैं अदालत की मर्यादा को बचाने की कोशिश में लगा हूं। जहां एक तरफ इस बात की मुझे खुशी है, वहां दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि मेरी इस कोशिश में एक अध्यापक को परेशान होना पड़ रहा है। हाँ तो मास्टर जी, 13 अक्टूबर की रात को आपने जो भी देखा, मैं फिर एक बार अदालत के सामने रख रहा हूं। आप के बयान को दोहरा रहा हूं। तो 13 अक्टूबर की रात को 11:30 बजे आप वर्ली नाके के 3 बत्ती 4 चौराहे से गुजर रहे थे। आपने एक लड़की की चीख सुनी। आपने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को उठाकर पुलिस जीप में डालते हैं। उन लोगों में से आप नागेश राणा को पहचानते हैं। आप उन्हें रोकने के लिए आवाज भी देते हैं, लेकिन आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उस लड़की की चीख आप तक पहुंच पाती है और आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती? नहीं, इसकी भी एक वजह थी, आपने बताया था और बिल्कुल दुरुस्त था। आपको याद है? मैं बताता हूं। जहां यह घटना हुई, वहां पास में एक रेलवे ट्रैक था जहां से एक ट्रेन गुजर रही थी, जिसकी वजह से आपकी आवाज दब गई। हां, ऐसा ही है। हां, तो ये आपने 3 बत्ती की बाई तरफ से, यानी कि चित्रा सिनेमा के पीछे की रोड जो वर्ली नाके की तरफ जाती है, वहां यह घटना देखी। मतलब आप वर्ली नाके से काफी दूर खड़े थे, टैक्सी स्टैंड के दाई तरफ। यानी कि आप जहां खड़े थे उसके पीछे उस चौक का मशहूर हनुमान मंदिर था। मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप हनुमान मंदिर के सामने ही खड़े थे ना? आप मंदिर के पास खड़े थे ना? नहीं, मैं मंदिर के पास नहीं खड़ा था, मैं चर्च के पास खड़ा था। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप चर्च के पास खड़े थे। अच्छा, नागेश और उसके साथियों ने लड़की को उठाकर जिस गाड़ी में रखा, वो पुलिस जीप थी? हाँ, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि वो पुलिस जीप ही थी। हाँ, तो अब आपका बयान पुख्ता तरीके से ये है कि रात के 11:30 बजे आप वर्ली नाके से कुछ दूर हनुमान मंदिर के पास से, चर्च के पास से गुजर रहे थे।
आपने एक लड़की की चीख सुनी, आपने देखा वर्ली विलेज की तरफ जाने वाली रोड के पास रेलवे की पुरानी बिल्डिंग से कुछ लोग एक लड़की को जबरन उठाकर ले जा रहे थे। आपने गुस्से से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त नजदीक से एक ट्रेन गुजर रही थी, आपकी आवाज दब गई, लोगों ने लड़की को एम्बुलेंस में उठाकर डाला और वो चले गए। मेरी बात पूरी तरह से दुरुस्त है? ऐसा ही हुआ था उस घटना में? लड़की चिल्लाई, आपने देखा, आप चिल्लाए, ट्रेन गुजरी, आपकी आवाज दब गई, लोगों ने लड़की उठाकर एम्बुलेंस में डाला, चले गए। कुछ सुधार चाहते हैं आप इसमें? चाहते हैं सुधार कुछ? नहीं, सब कुछ ऐसे ही हुआ था। सोच कर बताइए, लड़की जिस गाड़ी में डाली गई वो एम्बुलेंस ही थी? हाँ। मगर अभी आपने बताया वो पुलिस जीप थी। बेहतर यही होगा कि आप अपने लफ्जों में पूरी घटना अदालत के सामने रख दें। मैं रात को वर्ली नाके से गुजरा। पूरी बात बताइए, पूरी बात। क्या वक्त था, क्या टाइम था उस वक्त घड़ी में? थोड़ा पीछे जाइए, कहां से आ रहे थे आप? कहां से आ रहे थे बोलिए, कहां से आ रहे थे आप? मैं आखिरी लोकल से चेंबूर पे उतरा और बस लेने के लिए नाके से गुजरा। मास्टर जी, आप वर्ली नाके से गुजर रहे थे, आखिरी ट्रेन से आप चेंबूर नहीं महालक्ष्मी उतरे होंगे? हाँ, महालक्ष्मी। हाँ, आखिरी ट्रेन, इसका मतलब है कि आप 12:30 बजे महालक्ष्मी स्टेशन उतरे, 1 बजे वर्ली नाका पहुंचे। इसका मतलब यह है कि यह घटना जो घटी वो 1 बजे के आसपास हुई। हाँ। लेकिन आप तो बार बार ये दोहराते आ रहे हैं अपने बयान में कि ये घटना 11 से 11:30 के बीच हुई, और अगर 11 से 11:30 बजे तक आप वर्ली नाके पे थे तो महालक्ष्मी जिस ट्रेन से उतरे थे वो आखिरी ट्रेन नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चेंबूर आखिरी लोकल ट्रेन से 12:27 पर उतरा था। नहीं, महालक्ष्मी उतरा था। आप किस ट्रेन से किस वक्त कहां उतरे, ये सवाल आपके लिए अब भी खड़ा है। खैर, वर्ली नाके की वो जगह जहां खड़े होकर आपने ये पूरी घटना देखी, आपके पीछे कोई इमारत थी? हमें हनुमान मंदिर के पास खड़ा था। आपके पीछे मंदिर नहीं था, चर्च था। चर्च बयान में कहा है आपने। आप कभी महालक्ष्मी उतरते तो कभी चेंबूर? घटना के वक्त आप कभी चर्च के पास खड़े होते तो कभी मंदिर के पास? जिस गाड़ी में लड़की को डाला गया वो कभी पुलिस जीप होती है तो कभी एम्बुलेंस? आप अपने ही किस्से को समझाने में अदालत का इतना वक्त ले रहे हैं, तो अदालत उस घटना तक कब पहुंचेगी जो आपने देखी? अपने ही कही हुई बात को बदलना, फिर से कोई नई बात करना, इसका मतलब साफ है कि आप अपनी किसी भूल, किसी झूठ को छिपाने में लगे हुए हैं। झूठा नहीं हूं मैं, मेरी हर बात सत्य है। 13 अक्टूबर को नागेश उसके साथियों को लड़की को उठाते हुए मैंने जिस गाड़ी में देखा था वो एक पुलिस जीप थी, और ये हादसा रात को 11:30 बजे हुआ था, और जहां से खड़ा मैं सब कुछ देख रहा था उसके पास एक चर्च था। लेकिन कल रात को 1 बजे चेंबूर नाके पर नागेश ने जिस लड़की को उठाया था उसे उठाकर एक एम्बुलेंस में डाला था, और जहां से खड़ा मैं एक घटना देख रहा था उसके पास एक हनुमान मंदिर था। ये दोनों घटनाएं अलग अलग है वकील साहब, आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं? इसका मतलब कल रात आपने ये घटना दोबारा देखी? हाँ, मैंने एक घटना दोबारा देखी। कल रात चेंबूर नाके पर नागेश ने फिर से एक लड़की को उठाया? हाँ, कल रात चेंबूर नाके पर नागेश ने फिर से एक लड़की को उठाया था। लॉर्ड, मास्टर जी के इस किस्से के तार को मैं छेड़ना नहीं चाहता। नागेश, जिसे क्राइम ब्रांच के लॉकअप में पुलिस सुरक्षा में पूरे एहतियात के साथ रखा गया है, उसे कल रात मास्टर जी ने चेंबूर नाके पर देखा। माय लॉर्ड, मास्टर जी की दिमागी हालत को बेहतर समझने के लिए मैं आपके टेबल पर रखी हुई रिपोर्ट पर आना चाहता हूं। रिपोर्ट में यह साफ है उन डॉक्टर्स ने भी मास्टर जी को दिमाग की एक खास बीमारी का शिकार पाया है। क्या मतलब है आपका? एक मिनट, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। एक मिनट। माय लॉर्ड, ऐसे केसेस में पेशेंट की मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो आंखों से देखता कुछ है और समझता कुछ और है। मसलन, सड़क पर वो भीड़ देखता है, मजमा लगा हुआ है, तमाशे का लोग मजा ले रहे हैं, उसे लगता है किसी को पीटा जा रहा है। बस या ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में सामने से कोई भागता हुआ नजर आता है, उसे लगता है उसका खून करने आ रहा है। ऐसा आदमी हाथ के रुमाल को सांप समझकर चीख सकता है,
किसी के हाथ में पकड़ी हुई कलम को रिवॉल्वर समझ सकता है, टेलीफोन की घंटी को बिजली का कड़कना समझकर घर के खिड़की दरवाजे बंद कर सकता है। ऐसे आदमी के लिए हर चीज के मायने, उसकी पहचान कुछ और बन जाती है। ऐसे आदमी को हर चीज से एक 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 खास किस्म का डर बना रहता है। अभी रुमाल, कलम, टेलीफोन, सांप, बिच्छू, इन सब की बनावट अलग अलग है, इनका कामकाज अलग अलग है, इनका रंग रूप अलग है, बिल्कुल अलग है। अब आप मुझे बताइए मास्टर जी, आपके जेब में क्या रखा हुआ है? मैं आपका खेल समझ गया वकील साहब। मैं समझ गया कि आप अदालत में यह साबित करना चाहते हैं कि सच्चिदानंद अग्निहोत्री, जो इस वक्त इस गवाह के कटघरे में खड़ा है, एक पागल आदमी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पागल आदमी नहीं हूं। मैंने वही बोला है जो मैंने देखा है, और मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। आप जानना चाहते हैं कि मेरी जेब में क्या है? मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि आपकी जेब में क्या है। मेरी जेब में यह कलम है जिससे लिखा जाता है। मैं जानता हूं कि दीवार पर वो जो चीज है वो एक घड़ी है, और उसमें इस वक्त 4:38 हुए हैं। मैं जानता हूं जो आदमी उस मशीन के आगे बैठा है वो एक टाइपराइटर है। मैं जानता हूं कि टेलीफोन से बात की जाती है, कलम से लिखा जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि लोगों की भीड़ में जो औरत बैठी है वो मेरी धर्मपत्री है, उसका नाम गायत्री है, और उसके साथ जो आदमी बैठा है वो मेरा समधी है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरा बेगुनाह इकलौता बेटा जो इस वक्त जेल की सलाखों में सड़ रहा है और उसे छोड़ा नहीं जा रहा। मैं जानता हूं कि ये चश्मे का कवर है, और क्या रहे आप पागल साबित करना चाहते हैं? मैं पागल नहीं हूं। मैं जानता हूं ये कलम नहीं, एक एक रिवॉल्वर है, और इससे आदमी मर सकता है। आप जानना चाहते हैं कैसे? आप जानना चाहते हैं कैसे? ये देखिए ऐसे। गायत्री,